हेलो व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यार आप सभी लोग बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, भले ही आप लोग टॉप अप करते हो या फिर ना करते हो, उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? सो गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हमारे इन वेपन ग्लोरी वाले बैजेस के बारे में। तो ये जो बैजेस है, आप लोगों ने अपने किसी ना किसी फ्रेंड के आईडी पर तो जरूर से देखे ही होंगे या फिर किसी ना किसी प्लेयर के आईडी पर आप लोगों ने ये बैजेस जरूर से देखे होंगे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा ही ओपी लगते हैं। हाँ। यार, तुम में से भी काफी लोग चाहते होंगे कि उनकी आईडी पर ये वाला बैज लग जाए, लेकिन आप में से काफी लोगों को ये बैज अभी नहीं मिला होगा। ये समस्या है। सो कोई ना यार, तुम लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोग भी अपनी आईडी पर ये बैज बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो इसलिए यार वीडियो पूरी देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, इस बैच को लेने के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपनी प्रोफाइल की जो सेटिंग होती है उस वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आप लोगों को वेपन ग्लोरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर तुम्हारे पास ये वेपन ग्लोरी वाला अभी नहीं होगा बैच, तो तुम लोगों को यहाँ पर ये येलो लाइन शो करेगा, और अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ पर बैच शो करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें येलो लाइन पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते तुम लोग पूरे लीडर बोर्ड में आ जाओगे वेपन ग्लोरी के। एंड यहाँ पर ऊपर गई आप लोगों की कंट्री शो करेगा, एंड साइड में आप लोग जिस भी जगह से हो वो शो करेगा। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ तो यहाँ पर दिल्ली शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को दो तरह के बैच देखने को मिलते हैं, एक आप लोगों को रीजन लेवल का देखने को मिलता है, एक आप लोगों को स्टेट लेवल का देखने को मिलता है। स्टेट वाला लेना आसान रहता है बिकॉज उसमें कंपटीशन कम रहेगा, रीजन वाला तो बहुत ही मुश्किल रहता है बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा ही मतलब आपको स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बीआर रैंक और सीएस रैंक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोग जो भी मोड में ज्यादा गेम खेलते हो उस मोड से आप लोग अपना जो मतलब बैज है वो ले सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोगों को ना जो ट्रिक है वो यही है कि आपको एक ऐसी गन सिलेक्ट करनी है जिसको यार सबसे कम प्लेयर्स यूज करते हैं। मगर क्यों? क्योंकि गाइस, अगर आप लोग एक ऐसी गन सिलेक्ट करोगे जिसको यार बहुत ही प्लेयर्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारी यूएमपी हो गई, शॉट गन हो गई, तो इस तरह की गन्स में आप लोग देख ही सकते हो कितना ज्यादा ज्यादा आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को बैज तभी मिलता है जब आप लोग टॉप 100 के अंदर आते हो, यानी कि जो भी गन आप लोग सिलेक्ट करोगे उसके लीडर बोर्ड में जो भी बंदा 100 नंबर पे बैठा होगा उससे ज्यादा आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बैज मिलेगा अगले मंडे को। इसलिए आपको ऐसी गन चूज करनी है जिसको काफी कम प्लेयर्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारी ये वाली जो पिस्टल है इसको काफी कम प्लेयर यूज करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो स्कोर काफी कम है लास्ट वाले बंदे का। क्या बात है। एंड इसके अलावा जैसे हमारी मिनी यूजी गन है, इसको बीआर रैंक के अंदर बहुत ही कम प्लेयर्स यूज करते हैं, तो इसमें जो स्कोर है वो बहुत काफी कम करना पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि 1500 के अंदर ही तुम्हें बैज मिल जाएगा या फिर 1600 भी तुम लोग कर लोगे तो तुम्हें बैज मिल जाएगा बिकॉज स्कोर काफी कम है मिनी यूजी का बीआर रैंक के अंदर। एंड इसके अलावा एक और एग्जांपल देखो, जैसे बीआर रैंक में ये शॉटगन जैसी दिखने वाली गन काफी कम प्लेयर यूज करते हैं, तो इसमें तो बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, आप लोग देख ही सकते हो कुछ 10-12 बंदे गई सिर्फ है इस गन के अंदर, तो इसमें भी आप लोग बहुत जल्दी बैज ले पाओगे। एंड इसके अलावा तुम्हें एक गन दिखाती हूं जो कि हमारी ट्रीटमेंट स्नाइपर, सबसे यूजलेस गन फ्री फायर की, इसको तो कोई प्लेयर यूज ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है, मतलब पूरी दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही बंदा है जिसको इस गन का बैज मिला हुआ है। वाह, क्या सीन है। तो इसलिए गाइस, बीआर और सीएस रैंक जिस भी मोड में आप लोग ज्यादा खेलते हो उस मोड के हिसाब से आपको ऐसी गन चूज करनी है जो कि उस मोड में सबसे कम प्लेयर यूज करते हो, तभी आप लोगों को बैच बड़ी ही जल्दी मिल जाएगा, बड़ी ही आसानी से। एंड जब भी आप लोग गेम खेल के बाहर आओगे तो इस तरह से आप लोगों को जो स्कोर है यहाँ पर प्लस होता रहेगा। एंड आप लोगों को कोशिश करनी है कि जो भी गन आप लोगों ने सिलेक्ट की है उससे ज्यादा से ज्यादा किल करो, उससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग डैमेज वगैरह दो एनिमी को। ओके, समझ में आ रहा है। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे स्कोर देखना नहीं आता तो यहाँ से आप लोग अपना स्कोर देख सकते हो कि कितना आपका स्कोर है आपकी गन का। ओके, एंड बाकी यार तुम लोगों के पास ये बैच है या नहीं है मुझे कमेंट करके बताना, एंड अगर है तो यार कौन सी मतलब स्टेट से है और कौन सी गन का है मुझे ये भी कमेंट करके बता देना। ओके ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ में बेल आइकन है पहले पहले हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।